दोस्तों नमस्कार, आपको इंडिया नाउ 24 में स्वागत है। इस समय रावी जनपद के विकास क्षेत्र खीरो के प्राथमिक विद्यालय भलभद्र खेड़ा पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बच्चे राष्ट्रगान एवं बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी बच्चे एक सुर में राष्ट्रगान का चल रहा है। वही अध्यापक लोग अब देख सकते हैं, अध्यापक लोगों की एक शिक्षा है, बच्चों को गाइडलाइन करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक लोग, इनकी सराहना हम करते हैं, क्योंकि बच्चे भली भांति वहां पर राष्ट्रगान को संबोधित करते हुए सभी बच्चे एक स्वर में राष्ट्रगान का वो प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु आपको बता दें कि ये विद्यालय है, यहाँ साफ सुथरा को लेकर के एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना चला करके पूरे भारत को स्वच्छ रखना चाहते हैं, परंतु अब आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर ये भी जानकारी हुई कि अध्यापक द्वारा एक सवाल उठ रहा है कि एक अध्यापक द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पर एक सफाई कर्मी विद्यालय में नहीं आते हैं, जिससे यहाँ गंदगी लगी रहती है। परंतु हम ये भी सामने बात आ रही है कि हम लोग बच्चों से सफाई तो करा नहीं सकते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं, वो तस्वीरें आप भली भांति देख सकते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय जो बलभद्र खेड़ा विकास क्षेत्र खीरो का है मामला है। आइए हम यहाँ मौजूद अध्यापक महोदय जी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 की लिस्ट खबरों के साथ बने रहिए। एसके कुशवाहा संवाददाता रायबरेली। परिचय हो जाए आप, नाम क्या है आपका? सुनील कुमार मिश्रा। इसमें कौन सा विद्यालय है? ये प्राथमिक विद्यालय बलभद्र खेड़ा। यहाँ बच्चों की शिक्षा को लेकर के कैसे क्या है, स्कूल खुलने का समय क्या है? स्कूल खुलने का समय जो है 7:30 है, लेकिन हम लोगों को 7 बजे तक आना पड़ता है। विद्यालय में उपस्थित है 7 बजे सुबह से? हाँ। कितने बच्चे हैं इस समय आपके विद्यालय में? 68 बच्चे हैं। विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर के आपको? विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था बड़ी पुअर है, सफाई कर्मी आते नहीं हैं। और विडम्बना यह है कि हम लोग बच्चों से भी साफ सफाई नहीं करवा सकते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ क्या हालत है विद्यालय की। साफ सफाई की बहुत जरूरत है। क्या इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से आपने? कई बार उनके आदमियों से कहा, प्रधान जी से भी कहा, लेकिन जो है एक दिन सफाई कर्मी आए, पूरा दिन बैठ के चले गए, कोई काम नहीं किया। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एक योजना बना रखी है, साफ सुथरा देश को बनाना है उसको बढ़ावा देना है, लेकिन अब कोई नहीं आता तो जबरदस्ती पकड़ के हम लोग लाएंगे नहीं। और बच्चों को मिड डे मील की क्या व्यवस्था है? खाना बराबर समय से मिलता है। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। आज मिड डे मील में क्या बच्चों को खाने की व्यवस्थाएं क्या? आज चावल और दाल की व्यवस्था है बच्चों के लिए। चलिए ठीक। रुको, जल्दी खड़े हो। खड़े हो गया जगह पर। जन गण मन अधिनायक भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, एक मिनट ऐसी आ जाओ।